हिमाचल प्रदेश में गुरुवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इनमें जिला मंडी, जिला कुल्लू और जिला शिमला के रामपुर में बादल फटा। इसकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आ गए। कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में 49 लोग लापता है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 1 घायल है। बड़ी मेजर इवेंट हुई पूरे प्रदेश में, तो उसमें 49 लोग जो हैं वो अभी मिसिंग हैं। 4 हमें जो डेड बॉडीज हैं वो रिसीव हुई हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे 7 के करीब फुट ब्रिज गए हैं, उतने ही हमारे दूसरे पीडब्ल्यूडी के ब्रिज गए हैं। 49 के करीब लोग स्ट्रैंडेड थे वो सारे रेस्क्यू हो गए हैं। और खासकर कुल्लू में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मलाना डैम का, कल भी हुआ और आज भी हुआ। आज तो जो डैम हाउस से जो लोग थे उनको बड़े मुश्किल से जो है रिवर में रोप क्रॉस करवा के निकाला गया, तो वो ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। स्ट्रैंडेड जितने भी कल आइडेंटिफाई हुए थे सारे रेस्क्यू हो गए हैं। लगभग 65 घर लोगों के जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। 23 के करीब कैटल लॉस रिपोर्ट हुआ है। और हमारे खासकर जो समेज रामपुर और कुल्लू की बाउंड्री में एरिया है वो एक बहुत ही बड़ा एक दुखद वहाँ घटना हुई है। तो वहाँ पे एनडीआरएफ की हमारी 2 टीम्स जिसमें 70 लोग एनडीआरएफ के हैं, आईटीबीपी लोकल अवेलेबल है, हमारी पुलिस, एसडीआरएफ, होमगार्ड वो लोग भी मौजूद हैं। कल क्योंकि कोई सफलता नहीं मिली उस लोकेशन पे, बट आज से जो है जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसी जो है अच्छा काम करेंगी और जितना जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको क्लोज करेंगे। टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास 20 से 25 लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफली निकालेंगे। मौसम की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया, 3 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट है, उसके बाद 8 तारीख तक येलो अलर्ट है, तो किस तरह से आगे जो है वो एडवाइजरी रहेगी स्टेट के डीसीज को और बाकी अगर तमाम चीज़ें देखी जाए जो टूरिस्ट है या लोकल गाइड्स है नदी नाले क्योंकि काफ़ी उफान का है? जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसको हम कई माध्यमों से शेयर करते हैं। आप लोगों के माध्यम से जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से जाता है, सोशल मीडिया हमारा अपना जो SDMA का है उसके माध्यम से जाता है, DDMS के माध्यम से जाता है, और जब रेड अलर्ट होता है तो SMS भी लोगों को भेजे जाते हैं। प्रभावित क्षेत्र जो एरिया प्रभावित हो सकता है उसको जाते हैं। एक जो कल जो घटना हुई उसका एनालिसिस जो हमने किया उसको जियोग्राफिकली देखने की कोशिश की कि कहाँ हुआ, तो सारे जो गांव थे, घर थे, वो नालों के नज़दीक थे, या तो नालों से सराउंडेड थे या नालों के बहुत ही नज़दीक थे। सो कल हमने जिलों को भी ये कहा था कि खासकर जो घर नदी नालों के नज़दीक हैं उनको खासकर रात के समय ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और यदि आदमी नींद में है तो उसका रिस्पॉन्स होता नहीं है और वो विक्टिम बन सकता है। तो जब कभी भारी बारिश हो रही है और आप इन क्षेत्रों में हैं तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासकर रात के समय। मौसम के बारे में अपडेट रखें, एक मौसम विभाग की ऐप भी है सचेत, जिसको हम हर जगह कहते हैं। अगर आपके पास सचेत ऐप डाउनलोड है तो आपको अलर्ट भी आता है, आप अपने आसपास के जो मौसम है उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, कोई अलर्ट है उसके बारे में भी जानकारी रख सकते हैं। तो आवश्यक है कि हम सजग रहें और सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कल हमने वैसे तो हम रेगुलरली इसको जारी करते रहते हैं, हमारे हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम है सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पे सचिवालय में है, जिनको इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। इनमें टोल फ्री नंबर भी हैं, लैंडलाइन भी हैं, व्हाट्सएप भी हैं, जो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर किए हैं। और ज़्यादा नंबर याद रखना मुश्किल है लेकिन हमारा टोल फ्री नंबर जो जिलों का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसका 1077 है, 1077,
और स्टेट का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो टोल फ्री नंबर है 1070 है, 1070. तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो भी सहायता होगी, जानकारी होगी, वो उपलब्ध करवाई जाएगी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।